तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ निज़ामुद्दीन अली और आप देख रहे हैं ARPU डिज़ाइन। तो आइए आज हम सीखते हैं इस डिज़ाइन को जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस डिज़ाइन का मार्किंग कैसे करेंगे, देखिए मार्किंग तो बहुत आसान है लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसा है कि समझ लेते हैं तो बेहतर है ना। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं जो काम सीख रहे हैं जो कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ आसानी हो जाता है, तो इसलिए मैं आपके लिए ऐसी सब वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, देखिए ये एक मेरा रूम है स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर का रूम आप जितना भी साइज रखिएगा, ठीक है, 10x10 या 12x12 का या 14x14, ठीक है, या 8x10 का हो या 10x12 का हो, उसमें भी ये बन जाएगा। बस ये है कि थोड़ा सा जब ये पट्टा घुमाएंगे तो फर्क आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया है कि एक स्क्वायर है तो ये जितना हमारा साइज है, ठीक है, तो वहाँ से इसका चौथा हिस्सा यानी चौथा मार्किंग मैंने यहाँ पे रख लिया है पॉइंट ये वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 है, 6x12, ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 1.5 फीट का। तो 1.5 फीट यहाँ लगा करके, 1.5 यहाँ करके, और उसी पर हम ये सर्कल घुमा देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे, और जब ऐसे सर्कल घुमाएंगे तो ये पूरा आपका पॉइंट बन जाएगा इतना गैप छोड़ के। ठीक है, उसके बाद करना क्या है आपको कि यहाँ पे आके अगर जो साइज आपका जिस हिसाब से रहेगा, ठीक है, तो आप एक सेंटर निकाल करके और उसके बाद से इसका और इसका एक सेंटर निकाल करके यहाँ पे, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया और इसका सेंटर ये हो गया। तो पहला एक सर्कल हम यहाँ पे घुमाते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे देखते हैं, होता है। अब देखिए ये हमारा 8 भाग हो गया सर्कल का। ठीक है, 4 था और 4 जब हमने ऐसे किया तो ये 8 मार्किंग हमारा हो गया, 8 पॉइंट। अब इसी पे हमारा जो राउंड है वो घूमेगा। ठीक है, तो राउंड कैसे घूमेगा, देखिए इस वाले का सेंटर हम यहाँ पे निकाल लेंगे, एक मार्किंग पहले हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे करके दिख लीजिए, ये हमारा सेंटर निकल गया। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर जब हम रखेंगे, ठीक है, इस मार्किंग पे और यहाँ पे हम मिलाएंगे ये वाला, देखिए यहाँ पे और हमारा यहाँ पर आ रहा है ना, तो आप इसको देख लीजिएगा कितना आप खड्डे में रखना चाहते हैं। अगर ज़्यादा खड्ढा करना और खड्ढा करना तो इसी पे मार्किंग करके आगे बढ़ा करके मार्किंग और खड्ढा रख सकते हैं। अगर नहीं इतने पे ही रखना है तो आप इतने भी मार्किंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, चाहे आगे बढ़ा के करिए या पीछे बढ़ा के करिए, इसी वाले मार्किंग पे आपका ये बीच वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पूरा मार्किंग कर लेते हैं। इसका और इसका यहाँ पे सेंटर करके एक सर्कल घुमा देंगे। ठीक है, देख लीजिए ऐसे बीच में। तो चलिए इसको मोटा कर लेते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये दीवार है, ये सब आपका हो जाएगा कैंसिल लाइट। तो देखिए दोस्त, ये सब आपका कैंसिल लाइट हो गया। और एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए कि ये 2 स्टेप में बना हुआ है। ठीक है, पहला ये वाला एक लेवल है और ये वाला आपका अलग सबसे नीचे वाला लेवल है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में सीलिंग बना हुआ है, डायरेक्ट दीवार पे ही है। ठीक है, इसमें कोई पट्टा वगैरह नहीं है। इसको मैंने 12x12 के साइज में ड्रॉइंग किया हुआ है। और यहाँ पे एक बात और समझाना चाहता हूँ कि अगर पहले वाले तरीके से जिस तरीके से मैं बना के आया हूँ वैसे अगर नहीं समझ में आता है तो लास्ट में आपको बता देता हूँ एकदम सिंपल सा तरीका कि यहाँ से और यहाँ का, ठीक है, ये 4 भाग डिवाइड कर लीजिएगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और हर पॉइंट पे आप सेंटर से मार्किंग सर्कल घुमा सकते हैं। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं। और ये वाला जो है यहाँ से जितना भी साइज रहेगा आपका, ठीक है, जितना ये हमारा है 4 भाग वाला, वैसे 1 भाग का मार्किंग यहाँ पे करके, जैसे ये वाला है ये साइज यहाँ पे रखेंगे हम दोनों साइड में। ठीक है, और ये सेंटर वाला जो है वो क्या करेंगे, यहाँ से हम मार्किंग से घुमाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमारा ये आगे बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कटिंग आ रहा है, ये तो पूरा जब घुमाएंगे तो चारों तरफ हमारा 3-3 फीट का जगह दिख जाएगा। ठीक है, ये हर साइज में यानी कि स्क्वायर के सब साइज में ऐसा हो सकता है। ठीक है, जितना आपका साइज रहेगा उसी हिसाब से आपका ये जगह बनेगा जितना आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में काफी कुछ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।